टीवी की दुनिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर बीते दिन सामने आई अचानक से, क्योंकि सच भी कभी बहुत ही सहित कई सीरियल्स में काम कर चुके एक्टर विकास सेठी की 48 साल की उम्र में मौत हो गई। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। अपने पीछे वो बीवी और नन्हे जुड़वा बच्चों को छोड़ गए। उनकी मौत से परिवार से लेकर टीवी जगत में भी मातम छा गया। विकास सेठी साल 2000 के दौर में घर घर में फेमस थे। उन्होंने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की सहित कई सीरियल्स में काम किया था। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट्स बता रही है कि 8 सितंबर रविवार को उनका निधन हो गया। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार विकास की मौत नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से हुई। अभी तक परिवार की तरफ से बयान जारी कोई नहीं किया गया था। विकास सेठी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। वो अक्सर अपनी बीवी जानवी सेठी और जुड़वा बच्चों की फोटोज वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। उन्होंने पिछला पोस्ट 12 मई को ही किया था, जिसमें वो अपनी मां के साथ नजर आए। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि विकास अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक यूजर ने कमेंट में लिखा, लेकिन वो यंग थे। दूसरे ने कहा कि ये फेक न्यूज है और एक यूजर ने लिखा, बहुत जल्दी चले गए, इनको दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे ख्याल से जुड़वा बच्चे। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। विकास ने अपनी एक्स वाइफ अमिता के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए 3 में पार्टिसिपेट किया था। वहीं वो कभी खुशी कभी गम फिल्म का भी हिस्सा थे। उन्होंने करीना के दोस्त रॉबी का किरदार निभाया था। 2001 में दीवानापन में भी काम किया था, जिसमें अर्जुन रामपाल और दिया मिर्जा भी थी। वहीं 2019 में उन्हें तेलुगु हिट स्मार्ट शंकर में भी देखा गया था। बेल ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।